はいはいはいはい。It's like 30 glorious year of Z, so you had to dress up to the mark and look pretty and look your best. So that's what I've done to that. जी, पांच साल. हाँ जी. पहले रूही चतुर्वेदी को कोई नहीं जानता था, अब रूही चतुर्वेदी शर्लिन को हर एक इंसान जानता है. And that's only possible because of Kundli Bhagya, because of ZTV, because of Balaji. Whatever I am today is because of Kundli, and I'm thankful. Haan. यार मुझे तो अब ये नहीं पता कि मैं nominated हूँ कि नहीं हूँ, but it's a very good feeling to be a part of this party because then off the set you try to meet your friends and other colleagues, so it's a very good feeling. आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतने सालों तक हमें, मैं यही चाहती हूँ, यही प्रे करती हूँ, यही विश करती हूँ कि आप हमेशा इतना ही प्यार कुंडली भाग्य को और शर्लिन को प्यार करें, नफरत करें, बट कुंडली भाग्य देखते रहें एंड जी को उतना ही प्यार देते रहें. थैंक यू. Yes. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इसी रिश्ते में आने की. जहाँ तक मेरी फेंट मेमोरी है, मैं नहीं आया उसी रिश्ते में पहले, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे सारी कैसी सारी चीज़ें होती हैं, सो आई विल डिस्कवर इट टुडे. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग अ जी शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैं एक्चुअली कोई भी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव जस्ट जॉइंड जी टी वी एंड दिस शो हैज़ बीन, आई एम डूइंग दिस शो सिंस ओनली 2.5 months आई गेस, सो आई डोंट थिंक सो आई एम एलिजिबल फॉर अ नॉमिनेशन, बट लेट्स सी. आई थिंक जी टी वी इज़ अ पायनियर इन मेकिंग टी वी शोज एंड यू नो, मुझे याद है जब बचपन में स्कूल से आके हम लोग जी टी वी देखते थे, क्योंकि जी टी वी ही हुआ करता था और कोई चैनल ही नहीं होता था. और एक जी हॉरर शो आता था, आई यूज टू वॉच दैट शो अलॉट. सो देर आर मैनी आइकॉनिक शोज ऑन जी, लाइक हम पांच एंड अदर शोज, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जो मेरे बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं. सो या आई थिंक जी के लिए एक स्पेशल कॉर्नर है मेरे हार्ट. Thank you so much. Kya last question?
अभी जर्नी के लिए तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं मुझे जर्नी के लिए, बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू यू नो एंटर समवन एल्सेस शूज, बट द ट्रांजिशन वॉज स्मूथ एंड पीपल एक्सेप्टेड इट एंड पीपल आर वॉचिंग इट, सो आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड. क्या क्या frankly speaking, I was not really comfortable to do an ongoing show. कोई भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी तो मैं मना कर देता था अप फ्रंट, लेकिन ये बालाजी था और प्लस ये शो काफ़ी टाइम से चल रहा था और काफ़ी लोग देख भी रहे थे इस शो के बारे में और मैंने काफ़ी कुछ सुना भी था, ऑल्दो मैंने कभी देखा नहीं था पर्सनली, बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई और जब मुझे ये कैरेक्टर मैंने सुना तब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि अब इस कैरेक्टर में बहुत कुछ है करने को, और बहुत कम ऐसे मेल एक्टर्स होते हैं जो जिनको जस्टिस मिल पाता है टेलीविज़न पे, सो आई थिंक आई वाज अ लकी वन कि मुझे यहाँ पे वो जस्टिस मिल पा रहा है. थैंक यू सो मच. आपका प्यार प्लीज़ बनाए रखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.